पोटेशियम सल्फेट तकरीबन 8 से 9 केजी जो है वो हमने ड्रम में डाल के इसे मिक्सर बना लिया है, और ये अब पानी के ज़रिए जनाब जा रहा है हमारी गंदम को। नीचे डीएपी हमने बिजाई के वक्त डाल दी थी, अब इसके रिज़ल्ट से आप आगाह करेंगे। ये हमारी गंदम है जी, ये जो है ना फास्फोरस को कितना गंदम में लगाता है और ये क्या रिज़ल्ट देता है, ये फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएँगे। ये हमने साथ अपना बाग लगाया हुआ है किन्नू का, इसकी फ्रूटिंग देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्रूटिंग है। और ये हमने तरीका क्या अपनाया है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखें ये खालियों पे है, खेलियों पे ये हमारा बाग है, पानी की बाग को ज़रूरत होती है तो ये खेलियों में पानी लगा देते हैं, और ये हमारा बाग है खेलियों में, और दरमियान में जो है हमने वो गंदम काश की हुई है। ये देखें ये आपको दरमियान में गंदम नज़र आ रही है, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ये गंदम है और इसकी सराउंडिंग में ये आप देखें खेलियों में, ये बाग है ये खेलियों में, ये इसकी खेलियाँ हैं, जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, ये जनाब खेलियों में बाग खड़ा है, और ये बाकी जो है आपको ये गंदम नज़र आ रही है। ये देखें आप, ये आपको गंदम नज़र आ रही होगी। तो आप इस तरह से जो है आजकल जो मॉडर्न फार्मिंग चल रही है आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है जनाब। ये हमारा बाग है और दरमियान में गंदम है, ये उसका ओवरव्यू है पूरा, ये देखें ये इस तरह से,